Yes, now we are going to do multiplication of two-digit number by two-digit number. यानी two-digit मतलब क्या? Unit place भी रहेगा और tens place भी रहेगा. Unit place भी रहेगा, tens place भी रहेगा. By lattice method. तो पहले क्या करना है? 25 यहाँ पर पहला number है. उसे आप स्प्लिट करो. 25 बोलेगा तो 20 प्लस 5. यस, देन 12 मींस व्हाट? 12 में कितने टेंस है? 110 प्लस 2 यूनिट्स. आफ्टर दैट आपको अरेंज करना है. ये जो टेबल है, ये टेबल लैटिस मेथड में यूज़ करते हैं. अगर टू डिजिट नंबर्स से मल्टीप्लाई करना है तो आपको 3 रोज और 3 कॉलम्स ड्रॉ करना पड़ेगा. सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन साइन लिखना है. तो फर्स्ट नंबर क्या है? 25. 25 मतलब 20 प्लस 5. तो यहाँ पर आपको 20 लिखना है, उसके बाद यहाँ पर 5 लिखना है. किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 12 से कर रहे हैं. 12 को मैंने स्प्लिट किया तो क्या मिला? 10 प्लस 2 मिला. तो यहाँ पर 10 लिखना है पहले, फिर 2 लिखना है. सो ये हो गया 12 और ये हो गया 25. ओके चिल्ड्रन, तभी यहाँ पर इस टू डिजिट नंबर में यूनिट प्लेस में 0 है और इस टू डिजिट नंबर 20 में यूनिट प्लेस में 0 है. सो व्हाट वी शुड डू? ए वन नंबर, वन टेंस प्लेस का नंबर, टेंस प्लेस के नंबर से मल्टीप्लाई करो. वन टू ज़ा 2 आएगा आपको. ए 0 और ए 0 इसके बाजू में लिखना है बस. दैट इज 10 इंटू 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 200. ओके चिल्ड्रन, नाउ 10 इंटू 5. तो स्टार्टिंग में 1 इंटू 5 5 और ये 0, टेंस प्लेस में 0 रहेगा तो उसके बाद जो में लिख दे रहेगा फिनिश. सो 10 5 इज 50. उसके बाद ये जो 2 है इससे भी मल्टीप्लाई करना है. यानी हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 का हो गया. अभी 2 नंबर लो. 2 टू ज़ा 4 और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 लिख देने का. देन 2 5 ज़ा 10 फिनिश. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू? जो भी आंसर आपको मिला है इसे आपको वर्टिकल अरेंजमेंट में लिखना है. तो एडिशन इजीली कर सकते हैं. तो देखना है यूनिट टेंस हंड्रेड 3 प्लेसेस है तो 3 प्लेसेस लिख लो आप, ताकि आपको अरेंज करने में आसानी होगा, इजी होगा. सो फर्स्ट यू राइट लाइक दिस. देन फर्स्ट 10 से क्या मिला था आंसर? 200 और 50. तो 200 पहले लिख दो यहाँ पर प्रॉपरली, राइट प्लेसेस में लिखना है. कोई गाई है जल्दी मत कीजिए, आराम से लिखिए. प्लस 50 लिखना है. उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किए हुए 20 और 5 के आंसर्स को भी आपको लिखना है. प्लस 40 और प्लस 10. ओके प्रॉपरली चेक कीजिए. 200 50 एंड 40 देन 10, इन सबको ऐड करना है. 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 10 मिला है. तो आप 10 नहीं लिख सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? कैरी करना पड़ेगा. ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड प्लेस है. तो यहाँ पर आपको 0 लिखना पड़ेगा. ये जो 1 है आपको 100 प्लेस में कैरी करना पड़ेगा. 1 प्लस 2
3. So this is the answer. When you multiply 25 into 12, you will get 300.